हेलो हो आई एम ऑडिबल राइट नाउ हेलो हेमा अड़ीबुल लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी ए ये सेशन में आप सबको स्वागत है हम आज एन क्लास टेन का जो ज्योग्राफी डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारे चैप्टर टू डिस्कशन कर रहे हैं एंड इसमें हम एनवारेंट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे आज एंड कल जो डिस्कशन किए थे रिसोर्स uh, के बारे में डिस्कशन किए थे एंड वाइल्ड लाइफ का थोड़ा सा हम टच किए थे आज वाइल्ड लाइफ एंड इन दैट वी विल डिस्कस नेशनल पार्क बायोस्पियोर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके डिफरेंस क्या है एंड हाउ कम्युनिटीज़ आर इन्वॉल्व इन कंजर्विंग आवर फॉरेस्ट वो सब डिस्कशन करेंगे ठीक है दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी आई एम राधामोहन एलुमिनर्स ऑफ आई बॉम्बे एंड आई एम हियर टू शेयर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ़ यू सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन सो लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर हम लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किए थे कि जो ये सॉन्ग के बारे में जो कि लेप्चा ट्राइब ने आ, इसको कंपोज किए हैं एंड लेप्चा ट्राइब कहाँ रहते हैं लेप्चा ट्राइब के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि ये सिक्किम में रहते हैं मोस्टली सिक्किम एंड नॉर्थ वेस्ट बंगाल नॉर्थ वेस्ट बंगाल में ये लेप्चा ट्राइब दे रिसाइड इन दीज एरियाज क्योंकि कभी कभी ट्राइब्स के बारे में भी हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आती है दैट्स वाई हमारा ये जो लेप्चा ट्राइब इट इज इंपॉर्टेंट तो फ्लोरा एंड फना के बारे में डिस्कशन किए थे कि इसमें आप लोग को मैंने बताया था कि जो चीता पिंक हेडेड डग ये अभी इंडिया में पहले मिलते थे नाउ दे आर एक्सटिंक्ट ये जो पिंक हेडेड डक एंड चीता एंड आप लोग को ये भी मैंने कहा था कि ये सब जो स्पेसिस वी फाइंड इन द ए एन उसको आप एक बार सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे क्योंकि जो भी एन पे मैंशनड है तो वो सारे इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सो प्लीज़ डू योर होमवर्क थोड़ा सा आप लोग को भी रिसर्च करना है ऐसा नहीं कि जो मैं ही बता रहा हूँ उसी को पढ़ना है आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो के इसमें रिसर्च करेंगे तो आपका ज़्यादा नॉलेज डेवलप होगा एंड वो ज़्यादा याद रहेगी आपको ठीक है तो ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कशन किए थे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बाई एनुअली इसको पब्लिश uh, करती है बाई um, एनुअल मतलब uh, दो साल में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है ठीक है ओके तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि जो हमारा अभी जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है दैट इज़ अराउंड ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट ये चीज़ें हमें याद रखना है क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड हमारा जो टारगेट है वो थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट कवर होनी चाहिए तो हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगी ये हमारा वर्ल्ड वाइड दिस इज दिस इज़ बीन कंसिडर्ड कि अगर थर्टी थ्री परसेंट हमारा फॉरेस्ट कवर रहती है देन इट इज़ इकोलॉजिकली सस्टेनेबल तो आ, जो हमारा मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट दैट इज़ परस्यूइंग दिस, दिस गोल तो आ, हम लोग ये भी दे, देखे थे कि तो हमारा जो नाइनटीन सिक्सटी सिक्सटी वन में आवर फॉरेस्ट कवर वाज अराउंड सिक्सटीन परसेंट नाउ वी हैव रीच ट्वेंटी फोर परसेंट ओके तो फॉरेस्ट कवर के बारे में भी डिस्कशन किए थे वेरी डेंस फॉरेस्ट मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ओपन फॉरेस्ट स्क्रब फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट इसके बारे में भी डिस्कशन किए थे हम लोग वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा कैनोपी रहता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट अगर फोर्टी परसेंट से ज़्यादा कैनोपी कवरेज रहता है एंड ओपन फॉरेस्ट जो है टेन परसेंट कैनोपी कवर है कैनोपी कवर मतलब ये जो एरिया है इसका अगर टेन परसेंट कैनोपी से कवर्ड है देन इट इज़ कॉल्ड ओपन फॉरेस्ट अगर ये जो एरिया है अगर सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा एरिया अगर कैनोपी से कवर्ड है देन इट इज़ वेरी डेंस फॉरेस्ट ठीक है इसी हिसाब से ये कैटागोराइजेशन है तो ये हमारा एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आजकल UPSC is very much focused on environment. So please pay attention to all these things. The open forest तो ओपन फॉरेस्ट जो है उसका canopy कवरेज टेन परसेंट है कैनोपी मतलब ये जो पेड़ का जो कैनोपी होता है पत्ता होती है ये कितना एरिया ज़मीन पर कवर कर रही है अगर बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा मतलब आपका सेवेंटी परसेंट ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट से ज़्यादा हमारा ये जो लैंड को कवर करेगी इसका कैनोपी का जो शैडो है ठीक है तो इसी हिसाब से इसको कैटागोराइज़ किया गया है स्क्रब फॉरेस्ट जो है वो लेस देन टेन परसेंट लेस देन अगर टेन परसेंट होती है उसको स्क्रब फॉरेस्ट करेंगे एंड नॉन फॉरेस्ट अदर देन दिज फॉरेस्ट कवर ऑल अदर एरिया इज कंसिडर्ड एज नॉन फॉरेस्ट इट इंक्लूड्स वाटर बॉडीज ऑल्सो ठीक है तो हमारा जो गोल है थर्टी थ्री परसेंट एरिया कवर करनी है थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट कवर होनी चाहिए तो इसमें हम लोग ये भी डिस्कशन किए थे कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक ये जो फाइव हमारा स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश सबसे लीडिंग है जो कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इसमें है उसके बाद अरुणाचल प्रदेश उसके बाद छत्तीसगढ़ देन ओडिशा देन महाराष्ट्र मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ कि ये हमारा एन में नहीं है बट व्हाट आई व्हाई आई एम पुटिंग इट कि आपको थोड़ा सा जो एन में है उसी को ही पढ़ना है ऐसा नहीं है एन में बहुत तो टच किया है सारे चीज़ें को तो उससे आपको थोड़ा इलाबोरेटली आपको ये खास करके जो एन्वामेंट के पर्सपेक्टिव से तो थोड़ा सा आपको डेविएट होके खुद का सर्च करके आपको नोट्स बनाना होगा तभी जाके आपका जो नॉलेज डेवलप होगी नहीं तो आपका नॉलेज जो है बहुत लिमिटेड रह जाएगी जैसे एग्जाम डिमांड करती है आपसे उसको आप मीट नहीं कर सकते ठीक है हम ये क्यों दिखा रहा था मैंने फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बिकॉज इट इज़ देयर इन द ए एन ये जो एन में ये बेनिशिंग फॉरेस्ट के बारे में इतना दिया है इसमें लिखा है कि फॉरेस्ट एंड ट्री ट्री कवर के बारे में बात किया है एंड ये जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमारा बाई एनियल असेसमेंट होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दिस पब्लिशेस दिस फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ आवर इंडिया ठीक है देन वी है डिस्कस्ड कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिस इसमें हम लोग ये आई यू सी एन के बारे में हमारा uh, किताब में है तो आप लोग को बताया था कि अगर ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं रिलेटेड टू एनवामेंट यू शूड्स यू शुड सर्च इन द इंटरनेट अबाउट दिस आई यू सी एन क्या है एक इंटरनेशनल एन जी ओ है जो कि रेड लिस्ट रिपोर्ट पब्लिश करती है उसका ये फेमस क्यों है इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पेशज को डिफाइन करती है बेस्ड ओपन देयर डेंजर थ्रेट परसेप्शन कितना उनको थ्रेट है उनका लाइफ को उसी हिसाब से वो कैटागोराइज करती है इसमें हम लोग डिस्कशन किए थे नॉर्मल स्पेशस है एंडेंजर्ड है नॉर्मल स्पेशस जो है उनका पॉपुलेशन बहुत सफिशियंट है उनका पॉपुलेशन को कोई थ्रेट नहीं है नियर फ्यूचर में वो नॉर्मल स्पेसीज में गिना जाते हैं एंडेंजर्ड स्पेसिस क्या है हम लोग डिस्कशन किए थे कि देयर इन द इनका पॉपुलेशन इतना कम है दे आर इन द डेंजर ऑफ़ एक्सटिंक्शन अगर वही जो नेगेटिव पैरामीटर्स उनका जो पॉपुलेशन को कम किया है अगर वही नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू करता रहा देन दे विल एक्सटिंक्ट फ्रॉम द अर्थ तो इसलिए उनको एंडेंजर्ड स्पेसीज में कैटेगराइज uh, किया गया है एंडेंजर्ड स्पेसीज में जैसे कि हमारा ब्लैक बॉक है क्रोकोडाइल इंडियन वाइल्ड लैस ये सब हमारा एंडेंजर्ड स्पेसिस में है आप लोग को ये भी कहा था कि आप लोग को सर्च करना है एंडेंजर्ड स्पेसिस इन आवर इंडिया आपको इंटरनेट पे सर्च करनी है कि एंडेंजर्ड स्पेशस इन इंडिया उसके बारे में थोड़ा सा आपको सर्च कर लेना है जैसे कि मैं आपको अगर दिखाता हूँ आपको सर्च करना है एंडेंजर्ड स्पेसिस इन इंडिया ठीक है थोड़ा सा आप टैक्टफुली आपको आ, आ, काम करना पड़ेगा टेक्टफुली काम करोगे तभी तभी आपको अच्छे से यू विल डेवलप योर नॉलेज जैसे कि ग्रेटर वन हर्न राइनोसर्स दीज आर एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ इंडिया नीलगिर थार तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन नहीं तो आपका क्या होगा नॉलेज जो है बहुत लिमिटेड रह जाएगी ठीक है चलिए तो ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको आपको कैसे तैयारी करना है ये बता दूंगा ऐसा नहीं है कि मैं सारे आपको स्पून फीड करना है स्पून फीड करेंगे तो आपको रट्टा मारने टाइप हो जाएगी आपका कुछ फायदा नहीं होगा ठीक है ये सारे जब देखते हैं आप खुद आपका होमवर्क करिए ठीक है देन वॉलरेबल स्पेशस के बारे में डिस्कशन किए थे वॉलरेबल स्पेसीज दीज आर यर स्पेशस पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन टू लेवल्स फ्रॉम होर इट इज लाइकली टू मूव इन टू द एंडेंजर्ड कैटेगरी मतलब इसका जो पॉपुलेशन कम हुआ है अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहा ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएगी तो एंडेंजर्ड कैटेगरी वलनरेबल स्पेश जो है एंडेंजर्ड स्पेशस से थोड़ा सा कम थ्रेटेंड है लेस थ्रेटेंड एंड रेयर स्पेशीज जो स्पेशस मिलते नहीं हैं जनरली स्पेशस विथ स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इन टू द एंडेंजर्ड और वलनरेबुल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट ये सब हम लोग डिस्कशन किए थे एंडेमिक स्पेसीज जो है दो जो कि लोकली मिलते हैं मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं उनको एंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं ठीक है जैसे कि एंडामान टील निकोबर पिजियन एंड एंडामान वाइल्ड पिग मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश ये सारे हमारा एंडेमिक स्पेशस दोज आर ओनली फाउंड इन दैट पर्टिकुलर रीजियन ठीक है और कहीं नहीं मिलते हैं वो एक्रॉस दी वर्ल्ड दे विल नॉट बी फाउंड इन एनी वेयर तो उसको एंडिमिक स्पेसिस बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पेश जो कि अभी वाइल्ड में मिलते नहीं हैं जो स्पेशस उसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं ठीक है एशियाटिक चीता के बारे में बात किए थे एशियाटिक चीता अभी मिलते नहीं हैं हमारा इंडिया में पहले थे नाउ इट इज नॉट फाउंड अफ्रीका में मिलते हैं अभी अफ्रीकन चीता एंड मैंने आपको कहा था कि आप सर्थ थोड़ा सर्च करिएगा कि क्योंकि इंडिया वॉज विलिंग टू ब्रिंग अफ्रीकन चित्ता टू आवर इंडिया ठीक है तो इसके बारे में आपको सर्च करने के लिए कहा था ओके सो बिफोर गोइंग ये सारे हम लोग डिस्कशन किए थे कि uh, जो रेयर एंडेमिक स्पेसिस एंडेंजर्ड स्पेसिस निकोबर मेगापोर्ड ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी इंट्रोड्यूस टू द अन अकेडमी अन अकेडमी का लर्निंग ऐप है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि इसमें डेली लाइव क्लासेस चलता है जो कि फ्रीली अवेलेबल है फ्री है एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस चलती है तो इसको आप अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विद हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स यू कैन अवेल देयर आर लेक्चर्स एंड देयर इज ऑल्सो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म विच इज़ मोर ऑर्गेनाइज एंड विल कैटर द नीड ऑफ योर प्रिपरेशन आपका जैसे प्रिपरेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड वे में सारे कुछ चलता है लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज एंड इसमें पर्सनल मेंटर भी हैं जो कि आपको पर्सनली गाइड करेंगे हाउ यू शुड मूव ऑन इन योर प्रिपरेशन हाउ यू शुड प्रिपेयर एट द स्टार्टिंग यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट तो इसकी वजह से हमारा पर्सनल मेंटर भी है तो इसका जो आइपकनिंग सब्सक्रिप्शन चार्जेस है इट इज़ अराउंड फिफ्टी सेवन थाउजेंड फॉर वन ईयर एंड इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है चौबीस महीने के लिए ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए ले रहे हैं इट विल कॉस्ट यू अराउंड एटी नाइन थाउजेंड एंड यूज दिस कोड एस पी जैना टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है अगर आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है खाली प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है इसमें सारे कोर्सेस अवेलेबल रहेगा आपको इसका ट्वेल्व मंथ्स की फ़ीस जो है थर्टी नाइन थाउजेंड एंड एस पी जैना ये कोड आपको यूज़ करनी है टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स के लिए ये फिफ्टी सेवन थाउजेंड आपको कॉस्ट आएगी and if you are not interested in one year and two year subscription then you can also go for the monthly subscription of your choice and uh, use this code uh, HPGNA to get 10% discount theek hai so let's uh, continue further and uh, hum log uh, ye cause of depletion ke bare mein bhi discussion kiye the जो कॉज ऑफ डिप्लीशन में हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि सबसे जो ज़्यादा डिप्लीशन हुआ था हमारा कॉलोनियल पीरियड में जैसे कि आपको बताया मैंने 1960, 61 में सिक्सटी सिक्सटी वन में हमारा जो फॉरेस्ट कवर था सिक्सटीन परसेंट अराउंड था ठीक है सिक्सटीन परसेंट दैट मीन्स ड्यूरिंग कॉलोनियल इरा देयर वाज ट्रेमंडस डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर फॉरेस्ट हमारा फॉरेस्ट का बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुआ है एंड फॉर टिम्बर पर्पस जो कि रेलवे पहले बनता था रेलवे लाइंस उसमें आप देखे होंगे वुडन उद, उद, रेल, रेलिंग था ठीक है तो तभी बहुत फॉरेस्ट क्लियरेंस किए थे फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एग्रीकल्चर के लिए कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्राइबल रीजन में जो प्रैक्टिस हो रहा था दैट वॉज ऑल्सो ए मेजर कॉज ऑफ़ फॉरेस्ट डिप्लीशन लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड माइनिंग ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर फॉरेस्ट लैंड मेनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट जो आ, उनका व्यू है कि ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर्स ये एक डिबेट है तो ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको दिस दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर मेन एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको एक व्यूज़ डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि आपका नॉलेज बेस डेवलप करना पड़ेगा सो दैट इफ़ यू एनी क्वेश्चन बींग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन यू आर एबुल टू एंसर ठीक है मेन एग्जामिनेशन में आपको ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा नॉलेज रख के आप लिख दोगे तो इसमें बहुत डिफरेंट व्यू आपको रखना है एक क्रिटिकल एनालाइज जैसे क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिया होगा कि आवर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हैज बीन द हैज बीन ड्यू टू द मेनली ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन क्रिटिकली एनालाइज तो इसमें आपको दोनों साइड का व्यू रखना पड़ेगा तो ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन से डिस्ट्रॉय हुआ है बट इट इज नॉट दैट मच ठीक है इससे हमारा हुआ है इट इज इट इज इम्पैक्टेड लाइक ग्रेजिंग से जो ग्रेजिंग करते हैं जो धीरे धीरे अगर ज़्यादा ओवर एक्सप्लोइटेशन होता है एक पेस्चर लैंड जो ग्रेजिंग लैंड होती है उसमें अगर जितना गाय को वो सपोर्ट कर सकता है जितना काउज को ये सपोर्ट कर सकती है उससे ज़्यादा सपोज फिफ्टी नंबर ऑफ काउज कैन ग्रेज इन दिस पेस्चर लैंड ठीक है सो दैट इट वुड भी सस्टेनेबुल मतलब आज अगर वो ग्रेजिंग करके आ रहे हैं फिर कल तक तो ये उग जाएगा ठीक है अगर सह गाय इसमें छोड़ दिया इफ इट इज हंड्रेड कावर्ज आर देयर ग्रेजिंग इन दैट लैंड देन व्हाट विल हैपन स्लोली दिस लैंड विल डिग्रेडेड इन टू द डेजर्टिफिकेशन इसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं एंड uh, <coughs> इसको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स ट्रेजेडी ऑफ कॉमन मतलब ये जो पेस्टर लैंड होती है दिस पेस्टर लैंड ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है है ना पब्लिक लैंड होती है इसमें कोई प्राइवेट ऑनर नहीं रहती है तो पब्लिक लैंड में सब चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा जितने से ज़्यादा आप एक्सप्लोइट कर सको तो अगर आपके घर में एक गाय रखना चाहिए रखना है बट आप दो गाय रख रहे हो तो दो गाय रखेंगे तो ये जो पब्लिक पेशर लैंड है तो उसमें गाय का पॉपुलेशन बढ़ गया तो गाय का पॉपुलेशन बढ़ गया तो इट दिस स्पेशल लैंड कैन नॉट सपोर्ट मोर कावज मोर देन फिफ्टी सो ऑटोमेटिकली दिस स्पेशल लैंड विल स्लोली डिग्रेड ठीक है तो इसको ट्रेजेडी ऑफ कमन्स भी कहते हैं ये एग्जाम में भी पूछती है ये टर्म याद रखिए ट्रेजेडी ऑफ कमन्स है ना ट्रेजेडी ऑफ कमन्स मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको ओवर एक्सप्लोइटेशन करना क्योंकि वो किसी का ओनरशिप नहीं रहता है प्राइवेट ऑनरशिप नहीं रहता है तो सारे पब्लिक चाहते हैं कि जितना से ज़्यादा उसको एक्सप्लोइट करें तो धीरे धीरे वो ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हो जाता है जैसे फॉरेस्ट लैंड है फॉरेस्ट लैंड जब वो रेगुलेट नहीं हो रहा था तो कोई भी जाके कटिंग करता था ट्री को ठीक है और धीरे धीरे फॉरेस्ट डिग्रेड हो जाती थी इसको ट्रेजेडी ऑफ कमन्स कहते हैं तो ये जो एक व्यू है कि एक कुछ रिसर्चर एंड कुछ इंटेलेक्चुअल्स वो ब्लेम करते हैं जो हमारा फॉरेस्ट डिग्रेड हुआ है इसका मेन कॉज जो है ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन फ्यूल जो जलाने के लिए जो हमारा फायरवुड उसकी वजह से ये डिग्रेड हुआ है बट एक्चुअली में इज इट ट्रू अगर आपको एग्जामिनेशन पूछता है इसको आपको सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन देना है सो दैट एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगी उसको वो कन्विंस होना चाहिए नो दिस इज नॉट द ट्रू तो इसके लिए ये yes, सारे आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना होगा अगर कोई भी एग्जाम में पूछता है सो दैट यू शुड हैव एनफ इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इट इज़ वर्थ फॉर एंड मैन

सूखने के बाद उसको हम यूज़ करते हैं हम पूरा एंटायर ट्री को कट नहीं करते हैं जैसे कि हमारा रेलवे लाइन डेवलप करने के लिए एंटायर फॉरेस्ट क्लियर कर देते थे जो ब्रिटिश थे कि फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटी जैसे हम रोड बना रहे हैं रोड बना रहे हैं तो हम पूरा फॉरेस्ट एरिया क्लियर कर देते हैं ऐसा नहीं होता है तो इसलिए आप एक जस्टिफिकेशन देना है कि ऐसा नहीं है दो दे हैव डैमेज बट स्टिल ये जो हमारा डेवलपमेंटल इकोनॉमिकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड जो रिच पीपल हैं उनकी वजह से ज़्यादा हमारा फॉरेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो डिस्ट्रॉय हुआ है रिच पीपल से कैसे जैसे कि आप नया सेटलमेंट जैसे अर्बन डेवलपमेंट हो रही है हमारा दिल्ली रीजन में कि मुंबई रीजन में कि कोलकाता रीजन में जहाँ भी डेवलपमेंट हो रही है वो क्या कर रहे हैं धीरे धीरे जो फॉरेस्ट लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड है उसको ऑक्युपाई कर रहे हैं उधर सेटलमेंट हो रहा है उधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है तो आपको हर चीज हर डायरेक्शन में सोचना है ठीक है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हंटिंग पोचिंग ओवर एक्सप्लोइटेशन एनवायरमेंटल पोल्यूशन पॉइजनिंग ऑफ फॉरेस्ट पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर आर द फैक्टर्स ये सारे बहुत सारे फैक्टर है जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब पूरा फॉरेस्ट एरिया को जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्शन करना हंटिंग करना पोचिंग करना ओवर एक्सप्लोइटेशन करना जैसे कि ग्रेजिंग लैंड को ओवर एक्सप्लोइट करना एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे कि अभी पोलिथीन से पोल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट म्यूनसिपलिटी वेस्ट ये इस से हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है तो वो एसिडिक रेन भी होता है एसिड रेन आप सुने होंगे एसिड रेन बिकॉज ऑफ टू मच दैट ऑटोमोबाइल एग्जस्ट जो ऑटोमोबाइल स्मोक प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से हमारा एसिड रेन भी होती है क्योंकि वो जो कार्बन carbon है कार्बनिक एसिड बनाता है कार्बोनिक एसिड जो रेन के साथ होती है वो आ, हमारा जो प्लांट है प्लांट का जो लिप्स है उसको डिसकलर करता है है ना दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स आवर फॉरेस्ट एनवामेंट विच हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी अदर इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिस्क्रशन आर अनिक्वल एक्सेस अन एक्सेस के बारे में बात किए थे कल इनइक्विटेबल कंजुमशन ऑफ रिसोर्सेज इनइक्विटेबल कंज्यूम्पन ऑफ रिसोर्स जैसे कि इसका मतलब क्या है इनिक्विटेबल कंज्यूम्सन ऑफ रिसोर्स जैसे आप एक सिटी में रहते हैं सिटी में आप बहुत रिच फैमिली से हैं आप वेल ऑफ फैमिली से हैं तो यू आर वाट यू आर यूजिंग यू आर यूजिंग एसी यू आर यूजिंग कंप्यूटर यू आर स्टेइंग इन ए पक्का हाउस यू आर ट्रैवलिंग इन ए ऑटोमोबाइल मतलब आपका घर में गाड़ी है तो ये सबसे आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर रहे हैं आप ज़्यादा कपड़ा भी खरीद रहे हैं एंड ये सब क्या है ये सब जो कंजम्पशन आप कर रहे हैं इसकी वजह से आपका यू आर प्रोड्यूसिंग मच कार्बन इनडायरेक्टली जैसे कि आप ए सी एक यूज करते हैं ए सी अगर यूज करते हैं तो उसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ उसके लिए कितना कोल जलता है एंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है तो जो कॉल जलता है इलेक्ट्रिसिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो आप जितना कंज्यूम कर रहे हो क्या वो जो गांव में एक फार्मर है जो फार्मर है वो क्या उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है क्या वो इतना कॉल कंज्यूम करता है नहीं दिस इज कॉल्ड इनईक्विटेबल कंज्यूमसन ठीक है आपका जो कार्बन फुटप्रिंट भी इसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट मतलब एक ह्यूमन बींग उसका लाइफ टाइम में कि पर ईयर हाउ मच कार्बन ही इज़ प्रोड्यूसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्बन ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं जैसे आप एक नया कपड़ा अगर आपका महीने को हर महीने एवरी मंथ यू आर बाइंग वन न्यू क्लॉथ तो वो न्यू क्लॉथ प्रोडक्शन के लिए देयर इज इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम कर रही है उसका केमिकल पेंटिंग हो रही है तो हर चीज़ उससे लिंक्ड है ठीक है तो उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं जैसे कि हम यू एस ए में एक नागरिक यूएसए का एक सिटीजन दैट कंज्यूम्स फोर्टी टाइम्स मोर रिसोर्स देन एन एवरेज सोमालियन है ना ये एक फैक्ट है मतलब अगर एक सोमालियन वन टन कार्बन प्रोड्यूस करता है उसका लाइफ टाइम में एक यूएसए सिटीजन ही विल प्रोड्यूस फोर्टी टन कैन यू बिलीव इट दिस इज़ द इनिक्विटेबल एक्सेस टू द रिसोर्स सिमिलर दिन दो रिचेस्ट फाइव परसेंट ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको कि जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे इट शुड बी सब्सटेंशिएटेड बाई फैक्ट्स जैसे मेन एग्जामिनेशन में आप लिख रहे हैं आंसर लिख रहे हैं तो आपको प्रॉपर आर्गूमेंट देना पड़ेगा कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारा जो वाइल्ड लाइफ की फॉरेस्ट रिसोर्स डिप्लीशन हो रही है इसका कारण क्या है वजह क्या है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा अनइक्वल एक्सेस इनिक्विटेबल कंजुम्पन डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जितना ट्राइबल कम्युनिटी जितना वो फॉरेस्ट को फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करता है कंजर्व करता है क्या आप एक सिटी में रह, रह कर उतना आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्या प्रोटेक्शन करने के लिए नहीं आ, ये डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एक जो गांव में एक जो फार्मर है ही इज प्रोड्यू ही इज़ प्लान्टिंग सो मैनी ट्रीज ही इज डूइंग कल्टिवेशन ऑल्सो तो उससे उसका जो कार्बन प्रोडक्शन है वो कम है देन यू आर द पर्सन हु इज लिविंग इन द सिटी ठीक है तो ये सारे जो है आपको फर्दर मटेरियल देगा आपको आपका एंसर डेवलप करने के लिए मैं ये जो बता रहा हूँ आपको आपका जो एक एबिलिटी डेवलप करना है थिंकिंग एबिलिटी लिंकिंग एबिलिटी मल्टी डाइमेंशनली आपको हमेशा सोचना है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप खाली एनसीआर पढ़ना है तो पढ़ लिए ऐसा ऐसा होगा तो आपका कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डेवलप नहीं होगी ठीक देन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू ये ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जामिनेशन में द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू इलाबोरेट ये क्वेश्चन आएगा आपका मेन एग्जामिनेशन में कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इश्यू इलाबोरेट इसको इलाबोरेट कैसे करेंगे यानी खाली ये बायोलॉजिकल डायमेंशन से ये वाइल्ड लाइफ की फॉरेस्ट हमारा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है कि डिप्लीट नहीं हो रही है वेदर देयर इज कल्चरल एस्पेक्ट ऑल्सो ठीक है कैसे द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी सच लॉसिज है इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्पूवेरिस्ड मैनी इंडिजीनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज जैसे कि हमारा अभी कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहिए इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर है आप इकोनॉमिकली वेलअप हैं देन इट इज़ कंसिडर्डेड डेवलप्ड सोसाइटी डेवलप्ड सोसाइटी का आज का जो फंडा है डेवलप्ड सोसाइटी का ये फंडा है कि जितना आप अर्न कर सकते इकोनॉमिकली कितना आप वेलअप well हैं अगर आपके पास इकोनॉमिकल रिसोर्स ज़्यादा है देन यू आर डेवलप्ड ये जो कंसेप्ट है जो हमारा रूरल सोसाइटी था जो कि इकोलॉजी के साथ वो बैलेंस हुए में उसका लाइफ चल रहा था ठीक है जितना उगा रहे हैं उतना खा रहे हैं एंड फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते थे वो जो एक हारमोनीस रिलेशनशिप था नेचर के साथ वो अभी नहीं है अभी क्या है मोर ऑफ एक्सप्लोइटेशन कितना हम माइनिंग एक्सप्लोइट करेंगे कितना हमारा ग्रोथ होगा जितना स्टील हम प्रोड्यूस करेंगे हमारा उतना ग्रोथ होगा स्टील प्रोड्यूस कैसे करोगे फर्स्ट आपको माइनिंग करना पड़ेगा है ना? तो ये जो हमारा कल्चरल इरोजन हुआ है जो कल्चर था हमारा इंडियन कल्चर की जो हमारा सस्टेनेबल कल्चर था हिंदू फिलोसफी में वो धीरे धीरे हमारा डाइल्यूट हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये सारी चीज़ों को आप ध्यान देना है जब पढ़ाई करते हैं तो ये सोचना है कि कल्चरली कैसे हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी लॉस होने से हमारा कैसे ये इम्पैक्ट किया है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी थे बहुत उड़ीसा में एमपी में नॉर्थ ईस्टर्न में वो सारे क्या करते थे उनका जो फॉरेस्ट है उनके लिए एक सेक्रेड ग्रुप था उनके लिए sacred place था, वो सेक्रेड प्लेस था ठीक है वो प्रोटेक्ट करते थे वो फॉरेस्ट को वो धीरे धीरे हम उनको भी हम जो इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने लगे हैं उनको नया तरीके का डेवलपमेंट सिखा रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे वो ट्रेडिशन से शिफ्ट होके अभी रैट रेस में लग गए हैं ठीक है चलिए तो इसमें और एक है आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम्ड सम ऑफ आवर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट से द प्रमोशन ऑफ़ ए फ्यू फेवर्ड स्पेसीज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन कैरेट थोरो कैरेट थ्रोदी आयरनिकली टर्म एनरिचमेंट प्लांटेशन एनरिचमेंट प्लांटेशन अगर आपको एग्जाम में पूछता है व्हाट इज़ द एनरिचमेंट प्लांटेशन तो एनरिचमेंट प्लांटेशन जो है ये मतलब ये जो यूकलीफोटस की बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड जो था उसको क्लियर करके हम बाकी जो प्लांट लगा रहे थे जो कि बहुत फास्ट ग्रो होगा एंड उसको हम इकोनॉमिकली बेच सकें ठीक है तो उसको एनरिचमेंट प्लांटेशन कहते हैं इन विच ए सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल स्पेशीज वाज एक्सटेंसिवली प्लांटेड जो छोटे छोटे बाकी अदर स्पेसीज को हम इग्नोर करते हैं जैसे कि एक फॉरेस्ट है देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ स्पेशस है ना बट हमें जो स्पेसीज खाली कमर्शियली इंटरेस्टेड है उसी स्पेशस को हम कल्टिवेट किए बाकी जो अदर प्लांट्स था उसको हम डिस्ट्रॉय कर दिए तो इससे हमारा बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है ठीक है एंड अदर स्पेसिस एलिमिनेटेड फॉर इंस्टेंट टीक मोनोकल्चर टीक मोनोकल्चर हैज़ डेमेज नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया चीर पाइन प्लांटेशन इन द हिमालय हैव रिप्लेस्ड द हिमालयन वॉक एंड रोडेंड्रन फॉरेस्ट ठीक है तो हम लोग क्या किए जो हमें कमर्शियली वायबल कमर्शियली ज़्यादा पैसा मिलता है उसी चीज़ को हम प्लांटेशन किए जैसे कि टीक टीक वुड आपको पता है फर्नीचर के फर्नीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत स्ट्रांग वुड ट्री है वो ये हमारा डेसीडोस फॉरेस्ट में होती है टिक तो ज़्यादा फॉरेस्ट को हम क्लियर करके खाली टिक प्लांटेशन किए क्योंकि ये हमें कमर्शियली इंटरेस्टेड है तो बाकी जो बहुत सारे अदर स्पेसीज़ था प्लांट स्पेशीज धीरे धीरे स्लोली दे वे ऑल्सो एलिमिनेटेड तो इसको हम क्या बोलते हैं एनरिचमेंट प्लांटेशन ठीक है एंड uh, जो हिमालयन रीजन में हम चीर पाइन को बेसी फोकस किए ज़्यादा फोकस किए चीर पाइन को क्यों फोकस किए इससे हमारा ये लाइट वुड है सॉफ्ट वुड ट्री है इससे हमारा पेपर पल्प एंड बास्केट बास्केट छोटा छोटा जो अदर uh, uh, चीज़ें के लिए कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है चीर पाइन तो ये धीरे धीरे किसको रिप्लेस कर दिया हिमालयन वॉक ट्री एंड रोडेंड्रोन फॉरेस्ट को क्लियर करके हम ज़्यादा हम फोकस किए किसके ऊपर जो चीर पाइन फॉरेस्ट के ऊपर ठीक है ये एनरिचमेंट प्लांटेशन, ये याद रखना है आपको एनरिचमेंट प्लांटेशन क्या है कि जो कि कमर्शियल ट्री है कमर्शियली हमें बेनिफिशियल है वो ट्री को प्लांट करना उसको एनरिचमेंट प्लांटेशन कहते हैं ठीक है डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन जितना हमारा नेचुरल फॉरेस्ट था उससे ज़्यादा फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है वन थर्ड ऑफ इट्स वेटलैंड्स ड्रेन आउट सेवेंटी परसेंट ऑफ़ इट्स सरफेस वाटर बॉडी इज पोल्यूटेड सेवेंटी परसेंट ऑफ आवर सर्फेस वाटर इज़ पोल्यूटेड ठीक है ये आपको एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए अगर कभी एग्जाम में पूछ लेता है तो तभी आपको पता होनी चाहिए तो अभी ये तो डिप्लीशन के बारे में हम लोग डिस्कशन किए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया तो कंजर्वेशन वाइल्ड uh, लाइफ हमारे इंडिया में कैसा है कंजर्वेशन प्रिजर्व्स दी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ठीक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोलॉजी में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या है डिफरेंस क्या है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जो इकोलॉजी एक इको एक है एक फॉरेस्ट है जैसे कि फॉरेस्ट में टीक है साल है बेनियन है पीपल ट्री है जामुन ट्री है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज आर देयर ठीक है उसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहेंगे ठीक है जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिस के अंदर देयर आर वेरियस जेनेटिकल वेरिएशन जैसे कि हम ह्यूमन बींग है ठीक हम है हमारा जो ह्यूमन हम जो ह्यूमन बींग है हमारा जो पंजाब का जो ह्यूमन बींग का जो जीन है जो साउथ इंडियन जो तमिलनाडु का एक ह्यूमन बींग का जो जीन होगा दैट वुड बी डिफरेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स डाइवर्सिटी विद इन ए स्पेसिस मतलब अगर टाइगर है टाइगर का डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन रहेगा वेरियस टाइगर की तो उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा ऐसा होता है जैसे इकोलॉजिकल uh, डाइवर्सिटी है मतलब बहुत सारे डिफरेंट ट्रीज है ऐसा कंडीशन आता है कि क्लाइमेटिक चेंज कि कुछ डिजीज आती है उससे कुछ स्पेशीज़ को ये इम्पैक्ट करेगा एंड कुछ स्पेशीज़ को ये प्रोटेक्ट करेगा मतलब कुछ स्पेशज उससे बच जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा डाइवर्स डाइवर्सिफाइड अगर इकोलॉजी रहेगा तो वो हमेशा सस्टेनेबल रहेगा ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे अभी कोरोना आया है कोरोना से ऐसा नहीं कि सारे लोगों को जितना भी पॉपुलेशन है एक्रॉस वर्ल्ड इट इज़ नॉट एफेक्टिंग ऑल पीपुल इक्वली है ना आप भी जानते हैं इट इज़ इम्पैक्टिंग सम पीपुल वेरी हार्शली दैट इट इज़ कॉजिंग देम फाटल डेथ सम पीपुल आर एफेक्टेड असिम्प्टोमेटिक कुछ लोगों को वो असिम्प्टोमेटिक है तो इसका मतलब क्या है कि सबको ये इक्वली इम्पैक्ट नहीं करता है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी रहेगा तो कोई स्पेसिस एकदम से एलिमिनेट नहीं होगी तो कुछ जीन जेनेटिक वेराइटी रहेगा उनका हमेशा कुछ ना कुछ एनिमल uh, कुछ ना कुछ उनका लिविंग बिंग रह जाएंगे एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी से और क्या होती है जैसे कि एक जेनेटिक वेराइटी का टाइगर दूसरा एक जेनेटिक वेराइटी के साथ मैट किया मैटिंग किया तो मेटिंग करने से एक तीसरा एक जो उनका चाइल्ड टाइगर होगी उसका जो जेनेटिक वेरिएशन होगा डिफरेंट होगा है ना उससे क्या होती है हमारा इवोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू होती है तो इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ें को आपको सोचना है अगर एग्जाम में पूछता है यू शुड डेवलप एनफ नॉलेज अबाउट इट देखिए और एक बात बताता हूँ बहुत लोगों का ये इंटेंशन रहता है जो कि अभी भी पढ़ रहे हैं कि हमें प्रिलिम क्लियर करना है प्रिलिम के साथ प्रिलिम क्लियर कर लोगे तो आप कभी आई नहीं बन पाओगे आपको सारे स्टेज क्लियर करना है है ना जो आपकी स्टडी होनी चाहिए जो आप पढ़ाई करते हो वो एक कम्प्रेहेंसिव स्टडी होनी चाहिए कॉम्प्रेहेंसिव मतलब होलसम स्टडी मेन के लिए प्रिपेयर करोगे उसके साथ प्रिलिम इज ये पार्ट ऑफ इट नॉट योर प्रिपरेशन शुड नॉट बी ओनली फोकस्ड टुवर्ड्स फ्रिलिम ओनली तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा आपको जो भी आ, अगर आपको कह रहे हैं वो तो गलत मिसलीड कर रहे हैं आपको तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा होलसम स्टडी करिए तो आप चैलेंज फेस, फेस नहीं करेंगे जैसे कि 2020 में क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन अगर एक स्टूडेंट अगर ढंग से सारे चीज़ें पढ़ाई नहीं किया है माइंड अपन रख के पढ़ाई नहीं किया है वो उसमें क्वालिफाई नहीं कर सकता है ठीक है तो मैं एक वीडियो लिया हूँ क्वेश्चन एनालिसिस ट्वेंटी ट्वेंटी उसको आप देखिए यू विल गेट मेनी इनसाइट कि आपको पढ़ना कैसा है अटेम्प्ट कैसा करना है क्वेश्चन वो सब बहुत ज़रूरी है ठीक है तो ये प्रोटेक्शन के लिए कंजर्वेशन के लिए तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो अभी आप बहुत बार सुने होंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बायोसप्योर रिजर्व नेशनल पार्क ये सारे सुने होंगे कभी आप सोचे हैं कि इसका डिफरेंस क्या है वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी का क्या मतलब क्या है नेशनल पार्क क्या है बायोसप्योर रिज़र्व क्या है इसमें कभी आप सोचे हैं क्या ये सोचना बहुत जरूरी है जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे आपका क्यूरियस माइंड रहना चाहिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है ये सब आपको पता होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है तो फिर आप घबरा जाते हो अरे ये, ये क्या पूछ दिया है ना तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है बायोस्फीयर रिजर्व एक होलसम प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना ये बायोस्फीयर रिजर्व है तो बायोस्पियर रिजर्व में एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ उसमें जो फॉरेस्ट है वो लैंड है एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड इन द बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है इसका मेन जो पर्पज है मतलब जो जैसा हमारा जो इकोसिस्टम है इसी कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करना है उसको डिग्रेड नहीं करना है फर्दर ठीक है इसका बायोस्फीयर रिजर्व का मेन पर्पज़ यही है, है तो इट प्रोटेक्ट्स बोथ द फ्लोरा एंड फना आर प्रोटेक्टेड एंड इसका जो मेन पर्पज है अवेयरनेस डेवलप करना अवेयरनेस ठीक है अवेयरनेस डेवलप करना है एंड प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस एज वेल एज रिसर्च एक्टिविटीज एंड ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें आप अगर जानते हैं इसमें तीन uh, इसको कैटेगराइज किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व उसका एक कोर एरिया है कोर उसके बाद हमारा बफर एरिया है बफर एरिया एंड इसके बाद हमारा ट्रांजिशन एरिया है ट्रांजिशन है ना ये ट्रांजिशन एरिया में हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है ये पीपल कैरी आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दिस ट्रांजिशन जोन तो बायोस्फीयर रिजर्व में तीन सेगमेंट किया गया है कोर एरिया बफर एरिया एंड ट्रांजिशन एरिया कोर एरिया इज अनटच्ड मतलब जैसा कंडीशन में है ऐसा कंडीशन में रहना एंड इसमें खाली इको टूरिज्म अलाउ करते हैं इको टूरिज्म मतलब जो टूरिज्म हमारे एनवायरनमेंट को इंपैक्ट नहीं करेगा ज़्यादा नंबर जो है रेगुलेटेड है ऐसा नहीं कि कितने लोग गए वो जंगल में घुस गए ना इको टूरिज़्म अलाउड है बफर जोन में टूरिज्म अलाउड है एंड इन ए रेगुलेटेड मैनर एंड ये जो ट्रांजिशन जोन में हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी अलाउड है ये बायोस्फीयर रिजर्व में है नेशनल पार्क जो है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें केवल एक स्पेसिफिक स्पेसिस को जैसे कि टाइगर रिजर्व हो गया टाइगर रिजर्व मतलब उसका जो मेन इंटेंशन है टाइगर को प्रोटेक्ट करना एक पर्टिकुलर स्पेसिस को टारगेट करती है वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी एंड इसमें हमारा आ, ग्रेजिंग एंड एनी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड विद द परमिशन ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वार्डन ठीक है जो वे सेंचुरी का हेड होगा उसके परमिशन से इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड ठीक है ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एलाउड इन ए रेगुलेटेड मैनर नेशनल पार्क जो है इट इज़ एन एरिया हुई स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री और कल्टिवेशन आर नॉट अलाउड. तो सबसे अगर रेस्ट्रिक्टेड अगर देखेंगे हम तो किसका सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है सबसे ज़्यादा कम रेस्ट्रिक्टेड कौन है बायोस्प्यर रिजर्व इसमें हमारा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी अलाउड होता है कहाँ ट्रांजिशन जोन में एंड बफर जोन में भी टूरिज्म एक्टिविटीज़ अलाउड होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें ग्रेजिंग कल्टीवेशन ये रेगुलेटेड मैनर में अलाउड है विद द परमिशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वार्डन है उसके बाद जो नेशनल पार्क है इसमें कुछ भी अलाउड है नथिंग इज़ अलाउड ठीक है तो सबसे ज़्यादा अगर रेस्ट्रिक्शन है हमारे नेशनल पार्क में है उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके बाद, बाद बायोस्पियर रिजर्व बट बायोस्पियर रिजर्व एक होल्सम कंजर्वेशन है एंड इसमें ये क्या चाहता है कि पीपुल्स कोऑपरेशन भी चाहिए इसमें पीपुल्स कोऑपरेशन ये क्या चाहता है कि मतलब को एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज ह्यूमन बींग ठीक है इसका जो मेन मोटो है कि मतलब एक ऐसा कंडीशन बनाना है कि जो को हो ह्यूमन एक्टिविटी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी चलता रहे एंड हमारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी होता रहे तो इसका जो मेन पर्पस यही है इसलिए इसमें एजुकेशन अवेयरनेस एंड रिसर्च ये सब होती है कि कैसे हमें कंजर्व करना है ठीक है ये डिफरेंस है एंड टाइप्स ऑफ तो देंट्रल गमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच आर ग्रेवली थ्रेटेंड इंक्लूडिंग टाइगर वन हॉर्न डाइनोसोर्स कश्मीर स्टैग और हंगुल तो ये मैं क्यों आपको हाईलाइट किया हूँ ये जो स्पेसिस शब्द दिए हैं जैसे कि कश्मीर स्टैग या हंगुल इसके बारे में आपको इंटरनेट पे सर्च करना है कौन सी एरिया में कि कौन सी नेशनल पार्क में ये मिलते हैं ये आपको देखना है कौन सी एरिया में एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि ये कश्मीर रीजियन में मिलते हैं ठीक है कश्मीर स्टैग क्रोकोडाइल है क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल घड़ियाल घड़ियाल अभी कहाँ हैं ये एंडेंजर्ड स्पेशज थे अभी घड़ियाल कहाँ मिलते हैं कौन सी रिवर में मिलते हैं एंड वाई देवर अंडर थ्रेट घड़ियाल का जो पॉपुलेशन ड्इंडल हुआ था पॉपुलेशन कम हुआ था क्यों हुआ था तो ये सब आपको इंटरनेट में थोड़ा सा सर्च करना है एंड नोट बना लेना है आपका जितना आप इन्वॉल्व होगे जितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतना ही आपका नॉलेज डेवलप होगी एंड इट विल हेल्प यू इन प्रिपरेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो इसीलिए आप थोड़ा सा होमवर्क करना है मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट ब्लैक बॉक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसके ऊपर क्वेश्चन आया था इसके इसी बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसको गोड़ावन भी कहते हैं ये कहाँ मिलते हैं हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान गुजरात रीजन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनके बारे में भी एक बार देख लेना है स्नो लियोपैड इसके बारे में भी पूछा है स्नो लियोपैड हमारा इंडिया में मिलते हैं कि नहीं यस मिलते हैं लद्दाख रीजन कश्मीर रीजन में हमारा स्नो लियोपैड मिलते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा स्नो ले कौन सी फॉरेस्ट नेशनल पार्क में हमारा है ये भी देखना है ठीक है आपको थोड़ा सा इसमें वर्कआउट करना है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिजर्व फॉरेस्ट किसको कहेंगे मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लर्ड रिजर्व फॉरेस्ट अगर कोई फॉरेस्ट एक है, है उसमें अगर फिफ्टी परसेंट एरिया डिक्लेयर हो जाती है कि रिजर्व फॉरेस्ट मतलब प्रोटेक्शन के लिए डिक्लेयर हो जाती है देन दिस होल फॉरेस्ट विल बी कंसिडर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंजर्व कंसर्ड तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है जो फॉरेस्ट का फिफ्टी परसेंट एरिया इज प्रोटेक्टेड ओके okay. तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तो इसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलेंगे रिजर्व फॉरेस्ट किसको अगर फिफ्टी परसेंट एरिया प्रोटेक्टेड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको बोलेंगे अगर वन थर्ड एरिया वन थर्ड एरिया अगर आपका प्रोटेक्टेड है देन इट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज ठीक है इसको हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट तो दो टाइप का फॉरेस्ट है एक रिजर्व फॉरेस्ट है एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है रिजर्व फॉरेस्ट इसमें मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एट रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है जहाँ वन थर्ड ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ठीक है तो इसको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलेंगे एंड तो अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हम लोग थोड़ा सा एक बार देखना चाहिए कि हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉरेस्ट पार्क नेशनल पार्क ये सब आपको एटलास में देखना चाहिए तो क्विक लिए आपको बता दूं कि आ, नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा क्विकली हम डिस्कशन कर लेते हैं ये देखिए हम साउथ से चलते हैं ये जो वेस्टर्न घाट वाली जितना भी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अब जब नेशनल पार्क देखते हैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले लोकेशन देख लीजिए उसके बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लीजिए कि ये कहाँ है कौन सी रिवर जा रही है कि कौन सी पर्टिकुलर स्पेशस वो फॉरेस्ट पार्क में मिलते हैं वो नेशनल पार्क में मिलते हैं वो सारे देखना है आपको तो इसमें अगर देखेंगे साउथ से हम चलते हैं ये जो गल्फ़ ऑफ मनार ये देख रहे हैं दिस इज गल्फ़ ऑफ मनार दिस इज आवर ओनली मेरीन बायोसप्यर रिजर्व मेरीन बायोसप्यर रिज़र्व क्यों है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेरीन स्पेसीज़ जो है मेरीन मामल लाइक डुंगडुंग जो कि सी काव है तो इधर वो एक रिजर्व प्रोटेक्टेड स्पेसीज है तो ये गल्फ ऑफ मनार जो है मेरीन बायोसप्यर रिज़र्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैन एंड बायोस्पियर रिजर्व नेटवर्क में भी ये इंक्लूडेड है अगस्त मलाई ये भी एक बायोस्पियर रिजर्व है दिस इज इन वेस्टर्न घाट कालाकाट मुंदान थराई इसके बारे में ऑलरेडी पूछ चुका है पेरियर बायोस्पियर रिजर्व देन साइलेंट वैली एनाई एनामलाई मुदूमलाई नीलगिरी बंदीपुर बंदीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व इज एट दी जंक्शन ऑफ कर्नाटका ये कर्नाटका स्टेट है केरला स्टेट है एंड तमिलनाडु इसके पूरा कन्फ्लुएंस में ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व है ये इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नागार्जुन श्रीशलम नागार्जुन आ, नागार्जुन सागर श्रीशलम इसके बारे में पूछा था क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है ये सबसे लार्जेस्ट एरिया है इसका क्रिटिकल जो टाइगर हैबिटेट है ठीक है ये सारे को आप धीरे धीरे जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे ये मैपिंग भी आप जरूर देखिए इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है जैसे कि इस बार आया था पापिकोंडा नेशनल पार्क इधर ये मैप में नहीं है पापी कोंडा नेशनल पार्क जो है वो आंध्र प्रदेश में है यहाँ तो ये जो पापीकोंडा नेशनल पार्क चार नेशनल पार्क दिया था क्वेश्चन में एंड उसमें से पूछा था कि हुइच ऑफ दी फॉलोइंग नेशनल पार्क इज इन द कावेरी बेसिन ठीक है उसमें से अगर आप आपको अगर मैपिंग से पता है आप जानते हो पापीकोंडा नेशनल पार्क के बारे में कभी सुने हो यू नो दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश अगर आप आंध्र प्रदेश में जानते हो पापीकोंडा नेशनल पार्क देन पापीकोंडा नेशनल पार्क अगर आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश इज नेवर जो काबेरी रिवर है वो हमारे आंध्र प्रदेश में कभी भी ड्रेन नहीं करती है सो so, काबेरी बेसिन इंक्लूड्स कर्नाटका एंड तमिलनाडु नेवर इन आंध्र प्रदेश सो so, यू कैन क्लियरली एलिमिनेट कि पापीकोंडा नेशनल पार्क इज नॉट इन कावेरी बेसिन ठीक है तो उससे आपको आंसर मिल जाता है तो इसीलिए आपको मैपिंग थोड़ा सा जरूरी है कि जब भी पढ़ाई करते हैं प्लीज फाइंड आउट दोज नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द मैपिंग तो आपको अगर फोकस करना है ये एरिया पूरा फोकस करना है ये जो वेस्टर्न घाट एरिया मोस्टली ये जो पेनिनसुलर पार्ट ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटका केरला इसमें जो सारे हमारा टाइगर रिजर्व है कि नेशनल पार्क है उसके बाद हमारा ये देखना है ये जो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है जैसे कि ये पेंच पेंच एक टाइगर रिजर्व है कान्हा टाइगर रिजर्व कान्हा नेशनल पार्क हेयर इट इज वेयर इट इज़ कान्हा कान्हा जो नेशनल पार्क है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बहुत बार पूछता है एग्जामिन एग्जामिनेशन में एंड ये पेंच नेशनल पार्क कान्ना नेशनल पार्क राजस्थान में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जैसे कि रानथम्बोर नेशनल पार्क रानथम्बोर सरिश्का ये सरिश्का नेशनल पार्क ठीक है ये हमारा आ, ग्रेट आ, डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि हमारा पूछा था इस बार एग्जामिनेशन में दिस डेजर्ट नेशनल पार्क इट इज़ कवरिंग टू डिस्ट्रिक्ट इन आवर राजस्थान ठीक है ये सारे आपको थोड़ा सा देखना है एंड इधर जो गिर फॉरेस्ट है ये गुजरात में है गिर फॉरेस्ट दैट इज ऑल्सो इन सिग्निफिकेंट गिर गिर नैशनल पार्क जो है हमारा एशियाटिक लायन यहीं मिलते हैं केवल गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं और कोई नेशनल पार्क एंड बायोस्फियर रिजर्व में हमारा एशियाटिक लायन नहीं मिलते हैं तो धीरे धीरे आपको ये थोड़ा सा स्किल डेवलप करनी है ऐसा नहीं कि एक दिन में ये सारे कुछ हो जाएगा आपको कंटिन्यूस एफर्ट रहना चाहिए तभी आप सीख पाओगे तभी आपका जो नॉलेज बेस ग्रो करेगी अगर आप लिमिट करोगे तो नॉलेज बेस नहीं पड़ेगी अगर आप सोचोगे कि एक जगह से मेरे को रिसोर्स मिल जाए मैं रट्टा मार लूँ ये सब मैं आपको सिखाऊँगा नहीं ना इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा एग्जाम में जो आएगा आप कर ही नहीं पाओगे रट्टा से कुछ नहीं होने वाला है आपका आप थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करिए पढ़ाई करिए जो भी आपको मैं बताता हूँ इधर पूरा ट्रूथफुली बताता हूँ जो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में बाकी मैं स्टोरी नहीं सुनाता हूँ आपको इसीलिए बहुत लोग मेरे को देखते नहीं हैं ठीक है थीके? क्योंकि आपको स्टोरी नहीं बोल पाऊँगा मैं मैं इधर पढ़ा नहीं आया हूँ जो आपके लिए सही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें बताऊँगा ना कि फेंकूँगा आपको ठीक है तो यू कैन ब्लाइंडली रिलाई ऑन माई वर्ड्स इंड यू शुड डू योर ओन होमवर्क जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना आप आपके गोल की तरफ अग्रसर होगे. कोई आपको ले कर नहीं जा सकता है कोई भी टीचर आपको कुछ भी बोले आपको कुछ नहीं कह कर सकता है जब तक आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे अगर आप खुद लिखोगे नहीं आंसर का मेन प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कोई आपको सिखा सकता है क्या आप खुद डेवलप करना होगा जैसे ये मैपिंग एक्टिविटी ओनली आई कैन शो यू एंड गाइड यू बट यू हैव टू डू बाय योर ठीक है तो इसके अलावा आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करना है ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बहुत बार क्वेश्चन आती है प्रलिम के लिए खास करके ये एरिया इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप यहाँ से अगर देखते हो ये जो बक्सा टाइगर रिजर्व दिस इज इन वेस्ट बंगाल अगर आपको पूछता है बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है दिस इज इन वेस्ट बंगाल ठीक है बक्सा टाइगर रिजर्व ओके तो उसके बाद हमारा जो कंचनजुंगा कंचनजुंगा ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है कंचनजुंगा नाम इट इज ये सबसे नया है जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड है कंचनजुंगा जो है ठीक है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इसके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं तो एक बार सर्च कर लीजिए मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नहीं तो मैं अगली क्लास में इसको डिस्कशन कर लूँगा बायोस्फीयर रिजर्व एक है एंड मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क अलग है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क जो है एक वर्ल्ड नेटवर्क है तो उसमें वो इंक्लूडेड होता है इंडियन गवर्नमेंट वो रेकमेंड करता है तो उसी हिसाब से वो जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में वो इंक्लूड होता है ठीक है तो ये कंचनजुंगा अभी लेटेस्ट है जो कि हमारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में थर्टी थर्टीनथ बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज इज बीन इंक्लूडेड इन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क ठीक है ये कंचनजुंगा क्या है ये हमारा सिक्किम में है तो जो स्नो लेपायर कहाँ मिलेगा कंचनजुंगा रीजन में एंड ये जो लेप्चा ट्राइब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था लेप्चा ट्राइब वो लेप्चा ट्राइब भी ये कंचनजुंगा सिक्किम रीजन में मिलते हैं ये जो कांचनजुंगा पर्वत को वो हमेशा प्रेयर करते हैं उनका जो डेट है दैट इज़ कंचनजुंगा ठीक है तो इसी हिसाब से आपको थोड़ा होलसम स्टडी करना है धीरे 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 आपका डेवलप होगा नॉलेज बेस तो एग्जाम में जो है कि कोई रट्टाफिकेशन से कुछ ना काम नहीं होगा तो आप अगर कंसेप्चुअली पूरा अंदर जाकर आप पढ़ाई किए हैं तभी तो आप कर पाओगे ठीक है तो मानस नेशनल पार्क जो है इधर मानस नेशनल पार्क दिस इज इन आसाम वैली ठीक है आसाम रीजियन में मानस नेशनल पार्क है देन देयर इज नोक्रेक नेशनल पार्क नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है दिस नोकरेक बायोस्पियर रिजर्व इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्पियर रिजर्व ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ठीक है ये नोकरेक बायोस्पियर रिजर्व है देन आ, ये जो दिब्रू साइकोआ ये भी एक बायोस्पियर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में बट इट इज नॉट बीन इंक्लूडेड इन मैन एंड बायोस्पियर रिजर्व नामडाफा ये जो नामडाफा नेशनल पार्क है जिस नाम डाफा नेशनल पार्क में आपका फ्लाइंग स्क्वीरल मिलते हैं फ्लाइंग स्क्वीरल तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा धीरे 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 आपका इसमें जो नॉलेज डेवलप करनी है धीरे धीरे होगा ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा ठीक है नेवड़ा वैली ये जो है एक टाइगर रिजर्व है नेवड़ा वैली नेशनल पार्क नेवड़ा वैली नेशनल पार्क दैट इज़ इन सिक्किम ठीक है यूपी में जो नेशनल पार्क है एक दुधुआ है जो कि यूपी में है दुधुआ नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दैट इज नॉन फॉर टाइगर कॉर्बेट नेशनल नेशनल पार्क ये जो नंदा देवी नेशनल पार्क है इसमें वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं इसमें हमारा जो बहुत स्मॉल लियोपार्ड्स भी मिलते हैं इधर नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों आसपास में है एंड ये जो ग्रेट हिमालयन एंड हियर इज हमीज हाई अल्टीट्यूड इधर जो है हमारा है हिमाचल प्रदेश में ये जो हिमाचल प्रदेश में हमारा कोल्ड डेजर्ट है कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन यवर मैन एंड बायोस्पेयर रिजर्व इट इज़ बीन नॉट शोन इन दिस ग्राफ तो ऐसे आपको धीरे धीरे डेवलप करना है कि आपका मैपिंग एबिलिटी एंड मैप को हमेशा रेफर करना है ठीक है तो एक दिन में तो सारे नहीं हो पाएगा विल विल टेक अनदर क्लास ऑन दिस नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें हम इलाबोरेटली ये सब डिस्कशन करेंगे ठीक है तो हम टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिस्कशन किए एंड ये जो परमानेंट फॉरेस्ट किसको बोलेंगे जो रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट बोल परमानेंट uh, फॉरेस्ट बोलते हैं मैंटेन फॉर दर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट जो सबसे ज़्यादा कहाँ है हमारा मध्य प्रदेश में परमानेंट फॉरेस्ट इंक्लूड्स बहुत प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट ठीक है तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा हमारा ये जो प्रोटेक्टेड परमानेंट फॉरेस्ट है कॉन्स्टिट्यूटिंग सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात है वेरी हाई परसेंट ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात इसमें सबसे ज्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट है जो कि अभी तक फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है ठीक है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मेन एग्जामिनेशन में लिखने के लिए मेन एग्जामिनेशन पे अगर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन शुड गो हैंड इन हैंड इलाबोरेट ऐसे क्वेश्चन आएगा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन शुड गो हैंड इन हैंड इलाबोरेट तो इसको आप केस स्टडी देना है कैसे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन शुड गो हैंड इन हैंड अदरवाइज कंजर्वेशन वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट तो उसमें आपको ये सारे केस स्टडीज मिल जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में माइनिंग एक्टिविटी उसके आसपास में बहुत होता था सरिश का नेशनल पार्क कहाँ है हम लोग अभी देखें सरिश का हियर इट इज सरिश का तो आपको ऐसे देखना है दिस इज सरिश का ठीक है ये सरिश्का नेशनल पार्क हमेशा जब भी आपको यू आर कमिंग एक्रॉस दिस नेशनल पार्क प्लीज़ फाइंड आउट इन द मैप तो सरिश का रिजर्व जो है राजस्थान उधर बहुत माइनिंग एक्टिविटीज हो रही थी तो उधर का जो विलेज पॉपुलेशन था दे गॉट अफेक्टेड एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड बाई साइटिंग दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड दे स्टॉप्ड दिस माइनिंग एक्टिविटीज जो डिस्ट्रिक्ट uh, एडमिनिस्ट्रेशन था ये माइनिंग एक्टिविटीज़ को स्टॉप किया तो दिस इज ए केस स्टडी यू हैव टू शो इन द एग्जामिनेशन कि सरिश्का टाइगर रिजर्व के आसपास में ऐसे माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी एंड विलेज पीपुल कैम्प फॉरवर्ड एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट एंड दैट स्टॉप्ड ठीक है तो ये सारे एक एक स्टडी है हाउ कम्युनिटी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड दे हैव प्रोटेक्टेड देयर फॉरेस्ट लैंड ठीक है इन मेनी एरियाज विलेजर्स देम सेल्व आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट द इनहेबिटेंट्स ऑफ फाइव विलेजेस इन अलोअर डिस्ट्रिक्ट अलोअर डिस्ट्रिक्ट अगेन इन राजस्थान हैव डिक्लर्ड ट्वेल्व हंड्रेड एक्टर कितना लैंड देखिए ट्वेल्व हंड्रेड एक्टर ऑफ फॉरेस्ट इन द ऑफ देव डाकऑफ सेंचुरी इट इज़ बीन रेकोगनाइज बाई इवन यू एन ये जो बैर ऑफ देव डाकऑफ सेंचुरी डिक्लेरिंग देर ओन सेट ऑफ रूल्स इसमें कोई गवर्नमेंट रूल्स लागू नहीं है इसमें ये जो पाँच गाँव मिलकर एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं एंड दे दैट डो नॉट अलाउ हंटिंग एंड दे आर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट तो ये आप सारे एक एक एग्जाम्पल है इसके बारे में भी प्रलिम में भी पूछ सकता है कि भैरव देव डाकऑफ सेंचुरी कहाँ है ये भैरव देव डाकव सेंचुरी इट इज इन एलोअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ठीक है एंड ये जो पांच गांव के लोग इसको मिलकर प्रोटेक्ट किए हैं उनका सेट ऑफ वन रूल्स है जो कि दे आर प्रोहबिटिंग एनी हंटिंग एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी एनक्रोचमेंट ठीक है तो ये सारे एक एक केस स्टडी आप दे सकते हैं सो दैट इट विल एनहांस योर मार्किंग इन एग्जामिनेशन जब एग्जामिनर पढ़ेगा आपका आंसर उसका लगेगा कि आप पढ़े हो आप इसके बारे में आप आवर हो ऐसा नहीं कि आप लिखोगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन हाँ कम्युनिटी लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए कंजर्व होगा ऐसे लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए तैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए कहानी पसंद नहीं है कहानी लिखोगे मार्क नहीं मिलेगी आपको एग्जाम्पल देना होगा केस स्टडीज़ देना होगा तो ये केस स्टडीज़ आप अगर देते हो देन एग्जामिनर विल नो कि यू आर अवार अबाउट इट एंड यू आर प्रोवाइडिंग दैश्टी एक्चुअल इन हैपनिंग इन द रियल लाइफ ठीक है सिमिलरली चिपको मोवमेंट हमारा उत्तराखंड में ये बहुत फेमस मोवमेंट है चिपको मोवमेंट चिपको मोवमेंट में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तभी उन्होंने आ, आ, क्लियर किए और फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किए फॉर फॉर सम डेवलपमेंटल एक्टिविटी ठीक है तो जो उधर के लोग थे वो जो विलेज कम्युनिटी थे वो क्या किए जाके पेड़ को ऐसे हक करके पकड़ लिए उसको चिपको मोमेंट बोलते हैं तो जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी वो सुनी नहीं लोगों लोग बहुत प्रोटेस्ट किए जो विलेज पॉपुलेशन थे वो बहुत प्रोटेस्ट किए वो सुने नहीं फिर जब वो आ, काटने गए वो ट्री को ज़बरदस्ती तो लोग क्या किए वो ट्री, ट्री को वो पेड़ को पकड़ के खड़े हो गए तो इसको चिपको मूवमेंट के नाम पे ही जाना जाता है इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवमेंट यू शुड सर्च इन द इंटरनेट अबाउट दिस इसके बारे में भी क्वेश्चन आती है मेन में भी एंड प्रीलिम्स uh, में भी चिपको मूवमेंट इज ए वेरी एग्जाम्पलरी कैश ऑफ कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन द क्रिटिकली एग्जामिन ऐसे टाइप का मेन एग्जामिनेशन में आती है तो ये सारे मूवमेंट के बारे में आपको जानना चाहिए ठीक है चिपको मूवमेंट ये आप सर्च करिए इंटरनेट पे, यू विल गेट एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट आपको इंटरेस्टिंग लगेगी तो थोड़ा सा एक्टिव लर्निंग करिए ऐसा नहीं है कि रट्टा लर्निंग जो पढ़ा दिए उसी को पढ़ लेना है जो एन बोल दिए तो एन को रट्टा मार रहे हो ऐसा नहीं है एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है अगर चिपको मूवमेंट के बारे में सुने चिपको मूवमेंट है क्या इसके इधर तो इतना लिखा नहीं एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा सर्च करना है आई के बारे में देखें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशनल नेचुरल फॉरेस्ट तो इसका पर्पस क्या है ये देखना है तो थोड़ा सा क्यूरियस माइंड सेट डेवलप करिए नहीं तो आपका एग्जामिनेशन में क्लियर करना बहुत डिफिकल्टी होगी ऑल्सो दिस चिपको मोवमेंट ऑल्सो शोअ की कम्युनिटी एफरेस्टेशन विथ इंडीजीनियस स्पेसिस कैन बी एनोरमसली सक्सेसफुल अटेम्प्टू रिवाइव ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मैथड्स ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन बीज बचाओ आंदोलन ये क्यों शुरू हुआ था बीज बचाओ आंदोलन कि जैसे अभी हमारा uh, कल हम लोग डिस्कशन किए थे कि हमारा जो एग्रीकल्चरल लैंड है नेट सोन एरिया जो है आ, जब 1960-61 में 23% था अभी वो इंक्रीज होकर 24% हुई है ठीक है अभी 2015-17-18 में दैट इज़ 24% ऑफ़ आवर टोटल लैंड इज़ नेट सोन एरिया 24% एंड 1960-61 में ये भी 23% था बट इज़ 1960 से 2020 तक ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है थर्टी फोर्टी करोड़ से जब 1960 में फोर्टी करोड़ था अभी वन थर्टी करोड़ हुआ है हंड्रेड करोड़ पीपुल हैज बीन एडेड स्टिल जो नेट सोन एरिया है एग्रीकल्चर जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है वो ट्वेंटी थ्री परसेंट था अभी ट्वेंटी फोर परसेंट है क्या ट्वेंटी फोर परसेंट में इतना फूड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि हम यूज़ करते हैं क्या हाई ईल्ड वेराइटी एच ओई वी सीड कहते हैं इसको हाई ईल्ड वेराइटी सीड केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो ये जो हाई ईल्ड वेराइटी हम जब क्रॉप कल्टिवेशन करने लगे जो हमारा देसी वेराइटी था जो जेनेटिक वेराइटी था हमारा देसी सीड वो सारे इग्नोर हो गया वो धीरे 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 वेनिश हो गया तो इसके इससे क्या हो रहा है अभी ये जो हाई ईल्ड वेराइटी का जैसे ये एक पर्टिकुलर जीन जेनेटिक वेराइटी हो गया हाई ईल्ड वेराइटी जो है मैंने आपको क्या कहा अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाती है तो यू आर मोर प्रोन टू डिजीज अटैक अगर कुछ भी अग डिजीज होती है तो सारे जेनेटिक जो एक पर्टिकुलर जीन वो पूरा वेनिश हो जाएंगे तो इसकी वजह से अभी क्या है हम पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज कर रहे हैं इन्फेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो एफेक्टिंग आवर इकोलॉजी ठीक है ये जो बीज बचाव आंदोलन ये, ये हमारा देसी सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था न हैव है शोन दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल ये जो नवदान्य जो है ये भी सीड कंजर्वेशन के लिए जो जेनेटिक जो हमारा देसी वेराइटी तो इसके लिए ये एक एन जी ओ है नवदान्य एंड बीज बचाओ आंदोलन इसकी वजह से हुआ था ठीक है कम्युनिटी कंजर्वेशन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम फर्नीस ए गुड एग्जाम्पल ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़ एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है तो इसमें लोकल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होंगे लोकल कम्युनिटी ठीक है एज वेल एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो इसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं ठीक है तो इसके ऊपर ये धीरे धीरे अभी इम्प्लीमेंट हो रही है ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपको इसके ऊपर अगर ज़्यादा पढ़ना है फॉरेस्ट राइट एक्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनक्ट किया था फॉरेस्ट राइट एक्ट ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर तो इसके बारे में भी थोड़ा सा सर्च कर लीजिए फॉरेस्ट राइट एक्ट वो क्या है फॉरेस्ट राइट एक्ट एंड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पेशा एक्ट पेशा एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट एफ आर ए फॉरेस्ट राइट एक्ट ये दोनों ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करता है ये दोनों एक्ट इसके बारे में भी आप तो एक बार नेट पे सर्च कर सकते हैं ठीक है इसका पर्पज़ क्या है तो जे एफ एम डिफेंस जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिफेंस ऑन दी फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज़ आर एंटाइटल टू इंटरमीडियर बेनीफिट्स बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉन टिम्बर फॉरेस्ट फ्रूड्स जैसा कोई जो फ्रूट्स हो गया कि सीड्स हो गई कि आ, गम हो गया जैसे न, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो सारे लोकल कम्युनिटी को मिलती है तो सेक्रेट ग्रुप्स जो है हमारे इंडियन कल्चर में ट्राइबल कल्चर में सेक्रेट ग्रुप्स ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पेशीज उसको प्रोटेक्ट करते हैं सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेट ग्रुप्स ये हमारा मोस्टली हमारा ट्राइबल एरियाज में ये प्रैक्टिस किया जाता है जो कि जो पर्टिकुलर ग्रुप को एक वर्जिन फॉरेस्ट को दे प्रे फॉर द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस दिस पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय लोकल पीपल एंड एनी इंटरप्रिय विद डेम इज बैंड ये सेक्रेट ग्रुप से आप अगर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन का आप अगर एंसर लिख रहे हैं ये सारे आपको एग्जाम्पल देना है जैसे कि का टाइगर रिजर्व के बारे में बताया वही ऑफ दे सेंचुरी के बारे में बताया चिपको मूवमेंट के बारे में बताया नवादान्य एंड बीज बचाओ आंदोलन ये सारे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन को प्रमोट करती है तो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के ऊपर इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आती है मेन एग्जाम में तो ये सारे आप साइट करना है ये सारे लिखना है तो इससे एग्जामिनर का इम्प्रेशन बढ़ता है एंड uh, उसके अंदर भी ये सेक्रेट ग्रुप्स के बारे में लिखना है कि जैसे कि ट्राइबल एरिया में सेक्रेट ग्रुप्स माना जाता है सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है एंड हमारा हिंदू फिलोसफी में भी जैसे कि पीपल ट्री बेनियन ट्री इसको भी हम एज ए सेक्रेट प्लांट मानते हैं ठीक है जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू में मुंडा अगर मुंडा ट्राइब कहाँ है छोटा नागपुर प्लेटू मुंडा एंड शांताल अब छोटा नागपुर रिजियन और महुआ एंड कदम्ब ट्रीज कदम ट्रीज को ये महुआ एंड कदम ट्रीज को ये मुंडा एंड शांताल ट्राइब प्रे करते हैं ट्राइवल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार दे और टमारिंड एंड मैंगो ट्री ठीक है ये सारे आपको धीरे एक एक एग्जाम्पल देना है सेक्रेट क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग्स माउंटेन पिक्स जैसे कि माउंटेन पीक को कौन प्रे करता था लेप्चा ट्राइब आप इधर लिख लिख दीजिएगा कि लेप्चा ट्राइब यूज टू प्रे दी माउंटेन पीक लाइक कांचन जुंगा तो इससे एग्जामिनर का एक आपके आंसर पे एक गुड इम्प्रेशन आती है कि ये जो आप आंसर लिख रहे हो दैट इज होलिस्टिक आंसर ठीक है दैट इज वाई आई एम एम्फासाइजिंग ऑन ऑल दिस माउंटेन पिक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड इन एंड अराउंड बिष्णई विलेज इन राजस्थान हॉट्स अब ब्लैक बॉक नीलगाई पिकक दैट आर प्रोटेक्टेड एंड दे आर पार्ट ऑफ देआर कम्युनिटी हमारा जो टेम्पल में भी हमारे इंडियन टेम्पल्स में जो लांगूर होते हैं लांगूर एंड मैक्यूज दे आर ऑल्सो गिवेन फूड बाई ट जो डिबोटीज होते हैं दे ऑल्सो सप्लाई देम फूड तो ये सारे एक एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि कैसे हमारा जो कल्चर है इट हैज़ प्रोटेक्टेड आवर वाइल्ड लाइफ आवर एनवॉर्मेंट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे हमारा कल्चरल डिग्रेडेशन हो रही है हम कैसे ये सारे जो हमारा वैल्यूज़ था जो एंशियंट वैल्यूज जो हमारा ट्रेडिशनल सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ था उसको हम खो रहे हैं धीरे धीरे वी आर बिकमिंग इनसेंसिटिव टुवर्ड्स दिस वाइल्ड एनिमल्स हम उनको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं जैसे काव को हम माता मानते थे है ना माँ बोल के हम उसको काव को माँ बोलते थे अभी काव अगर माँ है क्या उसको हम अभी क्या कर रहे हैं जस्ट ए मिल्किंग मशीन बना दिए हैं मिल्क उससे खाली मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई माँ पा नहीं है अभी वो तो एक ज़्यादा आपको इमोशनली अटैच हो अभी इसलिए उसके ऊपर पॉलिटिक्स चलता है बट एक्चुअली वी आर एक्सप्लोइटिंग दोज एनिमल्स ठीक है ऐसे आपका थोड़ा सा होलिस्टिक डेवलपमेंटल थिंकिंग डेवलप करना है क्रिटिकल माइंड डेवलप करनी है हर चीज़ में तो ये लास्टली वी विल डिस्कस कि ये ट्री इज ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस बेनेवलेंस एंड मेक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड्स जेनरसली द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी इट एफर्ट्स प्रोटेक्शन टू तो ऑल बींग्स ऑफरिंग सैड इवन टू तो द एक्स मैन हु डेस्ट्रॉय इट किसने कहा था गौतम बुद्धा क्यों मैं ये शो कर रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी बहुत क्लेवर है कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट दे देता है एंड पूछता है कि हु हैड सेड इट ठीक है तो ये जब एन में कोई चीज़ होता है यू एक्सपेक्ट करता है एक एक्सपीरियंस से कि ये आपको पता होना चाहिए अगर ऐसे आ जाता है तो आप बोलोगे यार बुद्धा कहाँ बोला था हम कोई को, कोई थोड़ी पढ़ के जाना थोड़ी है हम बुद्धा क्या क्या बोला है बट एक्चुअली में ये एन में है एन से ही पूछता है ठीक है विद दिस विल एंड आवर सेशन इफ देर इज एनी डाउट यू कैन प्लीज आस्क हाय जयप्रकाश एक महीने का है अराउंड सिक्स थाउजेंड फीस इज देअर यू कैन सब्सक्राइब टू वन मंथ सब्सक्रिप्शन आल्सो ठीक है ये दिस इज वन मंथ फी अराउंड एट थाउजेंड इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है दिस इज़ वन मंथ फी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी सी यू अगेन टुमारो एट 8 पीएम 8 पीएम पे हमारा ये क्लास हमेशा लाइव चलती है 8 बजे तो सी यू अगेन टुमारो यूज़ दिस कोड एस पी जेना टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स अगर आप कुछ सीखे कुछ आपको बेनिफिट हुआ प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस